सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका भाई रेशव। टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज एक डीजल इंजन को आज मैं फिटिंग करने वाला हूँ। बहुत इसको बहुत मॉडिफाइड करके मैं ऊपर इसको कॉब्लम सिस्टम में इसको फिटिंग करने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं कैसे फिटिंग कर पाता हूँ। तो दोस्तों देख सकता है, ये छोटा सा इंजन है, ये मार्शल कंपनी का आता है। ये मिनी बोरिंग है। ये छोटा इंजन है दोस्तों। ये 5 पावर का, तो 4-3 पावर जैसा होगा। मैं तो इसका बारे में इतना भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आज इसको आप लोग का सामने फिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। फिटिंग करने वाली हूँ दोस्तों। तो देखिए मैं कैसे इसको फिटिंग करता हूँ, और इससे नीचे से पानी निकाल के आप लोगों का सामने रियल में दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं कैसे इसको सेट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए फिटिंग कैसे करता है और कैसे करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गास्केट में थोड़ा पानी मारना पड़ता है, और पानी मारने के बाद में वो कस के टाइट होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए टाइट होने वाला है, टाइट करने वाला हूँ अभी। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसको और आगे जाने के लिए आगे जाना है इसको, इसलिए थोड़ा ढकेल रहा हूँ, और बंदा ने इसको टाइट कर रहा है दोस्तों। इसको फिटिंग करने का बाद में दोस्तों और भी काम है इसका, उसका बहुत कुछ चेकिंग भी करना है, और चेकिंग करने का बाद में इसको मैं स्टार्ट करूँगा, और स्टार्ट करने का बाद में पानी कैसे निकल आता है। इसका लियर 46 फुट पाइप गड़ा हुआ है, और इसमें पानी आ चुका है। मैं लियर माप के देख चुका हूँ, और देखने के बाद में मैं देखा हूँ 26 फुट में पानी आया है। ठीक है, पाइप में आ चुका है, और उसका बाद में मैंने इसको कॉब्लम सिस्टम बनाया हूँ। लेकिन ये हम लोग का ये फुजाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये गाँव पूजा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस साइड में वो क्या बोलता है, एक गड्ढा कुआ का जैसा गड्ढा खाना पड़ता है, उसका बाद में इसको बैठाना पड़ता है। लेकिन मैंने इसको बहुत देखा हो, ये अपना टेक्निक से इसको सेट किया हो दोस्तों, अपना टेक्निक से सेट करके उसका बाद में इससे आज में रियल में ये देखिए, ये गड्ढा था लेकिन इसको मैं माटी डाल के इसका फिलअप कर दिया हूँ। इसमें पाइप भी लगाया हूँ, ऊपर में लेके आया हूँ, और अभी मैं रियल फिटिंग करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अपना टेक्निक लगाया हूँ। ये तो टालने सकेगा, मेरे इस पर भरोसा है, इसलिए सेटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए कैसे आता है और क्या नहीं आने से, तो आप लोग देखेगा रियल में। ठीक है दोस्तों, तो मैं देख लेता हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए आप, इसको यहाँ में जॉइंडोरी है, इस जॉइंडोरी को अभी खोलना है, क्योंकि यहाँ में थोड़ा मैं पानी डाल के देख चुका हूँ, यहाँ में लीक होता है। यहाँ में थोड़ा सा हवा पकड़ने से वो नीचे से पानी नहीं खींचेगा,
मतलब इसीलिए इसको मतलब ज्वाइंटरी लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब देखिए आप लोगों का सामने मतलब मैं ज्वाइंटरी लगाता हूँ, मतलब कैसे लगाता हूँ ज्वाइंटरी का जो मतलब आता है फीता बेल जो आता है वो तो नहीं मिलेगा हम लोगों को, लेकिन इसको मतलब मैं अभी थोड़ा घर से मतलब कपड़ा से मतलब इसको यहाँ में लगाऊँ तो देखिए मैं कैसे लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मतलब ये कपड़ा है, इसी से मतलब आज मैं बना के इसको सेट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं कैसे बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं रस्सी बनाया हूँ इससे, मतलब अभी यहाँ में ग्रीस लगा के मतलब यहाँ में लपेट लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अच्छा से मतलब जितना ग्रीस लगाएगा उतना ही अच्छा है, पानी नहीं लीक होगा और मतलब यहाँ से हवा कभी भी नहीं पकड़ेगा, यह बहुत लॉन्ग टाइम लास्टिंग करेगा। देखिए मतलब इतना ग्रीस लगाया हूँ इसके अंदर में, मतलब बहुत है, मतलब यहाँ में लगा के उसका टाइट देने से पता चल जाएगा यहाँ में कितना ग्रीस लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ अभी। लगाओ उससे, मतलब देखिए ज्वाइंटरी टाइट करने से एक ही बात ध्यान रखना पड़ता है, मतलब क्या है जो टाइट हम इस साइड में दे रहा है और इस साइड में मतलब यहाँ में कितना गैप है और वहाँ में कितना गैप है, उंगली डाल के मतलब कोई भी ऐसा मतलब बोल्टू भी डाल के आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक साइड होने से बुशिंग भी खा जाएगा और उसका जो पुली है उस वो भी तोड़ जाएगा, और मतलब यहाँ में जो ये साइड का जो ये हिस्सा है ये एक्सेल से मतलब टास हो जाएगा, होने से बहुत गर्म भी होगा और ख़राब भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ध्यान रख के मतलब इसको टाइट करना पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है लगा लेता है वो, मतलब अभी टाइट करना पड़ेगा इसको थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा माटी भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब यहाँ से थोड़ा इसको अंदर में ढकेल देता हूँ और उसका बाद में इसको मैं रबर से अच्छी तरह से बांध दूँगा। ठीक है ये दोस्तों, हम लोग का बांध के तैयार हो चुका है, अभी मतलब इसको स्टार्ट करना बाकी है, मतलब अभी वो जो गर्म पानी छोटा वाला पानी का पाइप जो है इसको मैं थोड़ा दूर फेंकने के लिए। दोस्तों देखिए, मतलब अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, लीक हो रहा है, मतलब हवा पकड़ रहा है, इसीलिए मतलब यहाँ में वो मिट्टी लगा रहा है, मतलब वो जो नाट है वो मतलब स्लिप काट चुका है, इसीलिए मतलब यहाँ में थोड़ा माटी लेप लिया है। दोस्तों हम स्टार्ट कर देता हूँ, उसका बाद में वो पानी निकल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं खुद का टैलेंट से मैं इतना कर पाया हूँ, आप लोगों का सामने मतलब दिखाया भी हूँ। दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगे तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसा टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता ही रहता हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।